क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम 1.8 ऑफ एनसीईआरटी। अवर क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन, कैपिटल एम। अभी मैं बता रहा था कैपिटल एम किसके लिए लिखते हैं हम लोग, मोलैरिटी के लिए, और इसको पढ़ते क्या है, मोलार। और जहां मोलार लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट को ही ना हमने मोलार लिखा था। मोल पर लीटर का क्या मतलब है, इतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में पर लीटर, समझ आ रहा है। सो 3 मोल पर लीटर इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या चीज, NaCl। NaCl का यानी नमक का हमने सॉल्यूशन बनाया होगा, तो उस सॉल्यूशन में नमक कितना है, तो उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया, 3 मोलार। 3 मोलार का मतलब क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मैं लूं, 1 लीटर का सॉल्यूशन लूं, तो उसमें कितने मोल होंगे नमक के, 3 मोल। इसका मतलब यही हुआ ना, आ रहा है जी कि नहीं आ रहा, बोलिए बोलिए, पक्का पक्का ना, ओके। अब क्या दिया, देखिए, डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज, ये यूनिट देख के पहचान जाइए, ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखा है उसने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज डेंसिटी। तो एक सॉल्यूशन है, क्या है, किस चीज का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है पानी में घोल के बनाए होंगे। उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.25, समझ आया, ओके। और हमको क्या दिया है, NaCl का मोल बता दिया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना NaCl घुला हुआ है, 3 मोल NaCl, ठीक है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज ध्यान में रखिएगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला ही आपको लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम गिवन बनाएंगे। मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। क्या फॉर्मूला होता है जी मोलैलिटी का, फॉर्मूला याद रहेगा तब तो पता चलेगा क्या क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, नहीं वॉल्यूम होता तो फिर वो मोलैरिटी ना बन जाती, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में भी नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है यहां, NaCl, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना सॉल्वेंट का मास चाहिए ना, सॉल्यूशन का नहीं चाहिए, ठीक है। और यहां सॉल्वेंट कौन है जी बताइए, सॉल्वेंट कौन होगा, बोलो सॉल्वेंट कौन है यहां, बोलिए बोलिए सॉल्वेंट कौन है, थोड़ा जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो, सॉल्वेंट कौन है यहां। अरे हद है भाई, नमक लोगे और उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो किसी में घोल के बनाओगे ना, जिसमें घोले होगे वही तो सॉल्वेंट होगा। किसमें घोले होंगे, पानी में, वाटर में, कहीं लिखा है पानी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको क्या इमेजिन करना है, कहीं तो घोले होंगे, किसमें, पानी में। तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ, पानी, भले लिखा हो या ना लिखा हो, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना। सॉल्यूशन को तो आप सॉल्वेंट नहीं मान सकते ना, सॉल्यूशन तो खुद सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट तो दिख रहा है NaCl, जिसको घोल रहे हैं, कितने मोल ले रहे हैं उसके, NaCl के 3 मोल, कितने लीटर में, 1 लीटर में, समझ आया, हाँ जी। और ये रहा तुम्हारा डेंसिटी, ये डेंसिटी किसकी दी हुई है, किसकी, NaCl की डेंसिटी। NaCl होता तो खाली ग्राम में होता, ये 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें कितने मास के NaCl है, 1.25। आया ये समझ में या नहीं, नहीं आया, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, यूनिट देख देख के। पर मिलीलीटर का क्या मतलब है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिए और उसमें 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन अगर मैं निकालता हूँ ऐसे डब्बा से, 1 मिलीलीटर पानी है ना, तो उसमें कितना NaCl होता है, 1.25 ग्राम, ये उसका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी किसको बोलते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी, समझे नहीं समझे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 लीटर पानी निकालो,
आपने एक लीटर पानी निकाला, यूनिट वॉल्यूम लिया वन, एक लीटर, लीटर क्या है वॉल्यूम, कितना लिया वन को क्या बोलते हैं यूनिट, तो वन यूनिट वॉल्यूम आपने पानी निकाला, हमने बोला तराजू में रखो, आपने तराजू में रखा, हमने बोला बताओ कितना मास दिखाता है, तो आप बोलेंगे 1000 किलो दिखाता है, 1000 किलोग्राम। तो 1 लीटर वॉल्यूम लेने से पानी का मास कितना आता है, 1000, समझ आया। तो ये क्या है पानी की डेंसिटी, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम लीजिए कोई भी सैंपल, यूनिट वॉल्यूम, और उसको तौल लीजिए, उसमें जो भी मास बनता होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी कहलाती है। ये समझ आया जी कि नहीं आया, आया तो हमने भी यहाँ 1 वॉल्यूम लिया, कितना वॉल्यूम, 1 मिलीलीटर, एक ढक्कन समझ लो, 1 मिलीलीटर कितना, 1 ढक्कन, इतना लिया, क्या चीज़, सॉल्यूशन, NaCl जिसमें घोल के बनाए होंगे ना, ये 3 मोलार इन 1 लीटर, तो ये सॉल्यूशन हो गया ना, तो इस सॉल्यूशन में से कितना निकाले, 1 ढक्कन, 1 ढक्कन यानी क्या, 1 मिलीलीटर, उस 1 मिलीलीटर का मास तौल लिए रख के, कितना मास आया, 1.25। तो ये मैं 1 ढक्कन यानी 1 मिलीलीटर क्या निकाला हूँ, नमक निकाला हूँ, पानी निकाला हूँ कि सॉल्यूशन निकाला हूँ, सॉल्यूशन। तो ये किस चीज़ की डेंसिटी है, सॉल्यूशन की, ये उस सॉल्यूशन का मास आया ना, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो 1.25 ग्राम इतना मास आया उस सॉल्यूशन का जो हमने कितना लिया था, 1 मिलीलीटर, आ रहा है ये समझ, तो ये इसकी डेंसिटी हो गई। तो हमको मोलैलिटी निकालना, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, थोड़ा सा मैं इसको और इलाबोरेट कर लेता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, निकालने का तरीका क्या है आपका बोलिए, मास अपॉन मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूट और हमको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, सॉल्वेंट के मास को किस में लेना है, केजी में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर एप्पल से, और ये किस में होगा, केजी में, याद रखिएगा, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला बना, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं ना, बोलिए, ठीक है। हाँ, अब ये निकालना है तो बाकी सब पता होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं, तो हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तीनों खोज के लाओ, रखो, मोलैलिटी आ जाएगी। अब देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन बनाते हैं, और क्या क्या घटेगा फिर उसकी लिस्ट बनाएंगे। गिवन क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, डेंसिटी से शुरू कर लेते हैं या यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए, व्हाट इज दिस, दिस इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या दिया है ये, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, अगर ये 3 मोलार ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है, 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, समझ रहे, 3 मोल NaCl कहाँ घुला हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यानी NaCl का क्या दिया है बताइए, दिया है कितना, दिया है कि नहीं, इसको आप स्मॉल n से डिनोट करते हो, नंबर ऑफ मोल को, याद है ना, तो हमको NaCl का क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल, कितने मोल, 3 मोल, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया उसमें कितने मोल पड़े हैं कुल NaCl के, 3 मोल पड़े हैं, हो गया ये। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए NaCl का, सॉल्यूट है ना, NaCl सॉल्यूट कौन है, और सॉल्वेंट बताओ, वाटर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी सॉल्यूट क्या, और ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दुनिया भर के मैसेज करते हैं मेरे चैनल पे, है ना, कि वाटर तो कहीं है ही नहीं है, आप जबरदस्ती क्यों सॉल्यूशन के मास को सॉल्वेंट का मास बोलते हो, है ना, ये रीजन है, आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है यहाँ, ठीक है, ओके, हो गया ये, यहाँ तक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। हमको मोल दिया है, हमको यहाँ मोल नहीं चाहिए रखने के लिए, मोलैलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट का मोलर मास तो तुम बता ही सकते हो, ये तो चाहिए ना मोलर मास सॉल्यूट का, चलो वो निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ NaCl बताओ कितना, ये है गया 23 और क्लोरीन का 35.5, बताइए कितना हुआ ग्राम, और मोलर मास जब हम निकालते हैं तो वो कितने मोल का मास होता है, हाँ तो पर मोल लगा दे चलेगा,
ये काम पहले भी तो किए हैं और आपसे आप आदत बना लीजिए, मोलर मास हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। एक मोल किसी भी क्वांटिटी का मास मोलर मास कहलाता है। तो एक मोल हम तौले होंगे 58.5 ग्राम आया होगा, तो एक मोल का आया ना, तो उसको बोल दिए पर मोल, ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया। अगर हम एग्जैक्ट चलना चाहें तो ये 35.5 नहीं लेते, सिर्फ 35 लेके चल सकते हैं एग्जैक्ट, तो डेसिमल वाला झमेला खत्म हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा आंसर मैच नहीं करेगा और क्या होगा, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ये चीज़ है ना, देखिए मैंने मोलर मास बना लिया, गिवन है। हमको और क्या चाहिए, मास ऑफ द NaCl चाहिए, सॉल्यूट वही है, कैसे बनेगा, मेरे पास क्या है NaCl का मोल और मेरे पास क्या है NaCl का, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल है, आपके पास मोलर मास है, क्या आप मास नहीं बना सकते NaCl का, याद करो वो जो तीन फार्मूले पढ़े थे बस उसी में मोल कॉन्सेप्ट समाया है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल है, मेरे पास मोलर मास है, क्या मैं मास नहीं बना सकता, कैसे बना सकता हूँ, इंटू करके, वेरी गुड, बता किसको इंटू करना है, नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को, और आपको नहीं याद आया होगा, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास ये है, आपके पास ये है, मास निकालना है, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा मास, समझ आया। सो मास ऑफ NaCl, सॉल्यूट NaCl, ये कैसे बनेगा बोलिए, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मुंडी हिलाने बस से नहीं चलेगा काम। हाँ, ये कितना है 58.5, चलिए बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 = 15 डेसिमल, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, ये इतने ग्राम आए। अब ये सिर्फ मास है तो इसको सिर्फ आप ग्राम लिखोगे, मोलर मास होता तो एक मोल का मास होता तो पर मोल लगा देते, ये सिर्फ क्या है मास। आ रहा है प्रभु समझ में, नहीं आ रहा है, वो फार्मूला याद है ना, दूसरा फार्मूला मोल कॉन्सेप्ट में बना था, ठीक है, वहाँ से आ गया। सो दिस इज मास, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई रखने के लिए, मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम निकाल ही चुके हैं, ये और क्या चाहिए, मास ऑफ, ये किसका मास है, सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का तो बात ही नहीं हुआ है कहीं क्वेश्चन में, लेकिन अगर मोलैलिटी निकालनी है तो सॉल्वेंट तो चाहिए, है ना, तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, किसमें से, नहीं नहीं परसेंट नहीं चल रहा है यहाँ, परसेंट नहीं है, 100% कैसे ले लेगा तू, कहीं बोला है 100% है, कुछ 100% नहीं है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, सोचो कैसे आएगा, सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाले हो NaCl, उसका मास पता है, अभी अभी निकाले, जिस जो भी सॉल्यूशन मेरे पास है उस सॉल्यूशन में कितने मास का सॉल्यूट है ये पता है मुझे, अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास हटा दूं, निकाल दूं, तो किसका मास बचेगा, सॉल्वेंट का, आ जाएगा। तो मेरे पास सॉल्यूट का मास तो है, क्या मेरे पास पूरे सॉल्यूशन का मास है, देखिए पूरे सॉल्यूशन का मास है या नहीं है, है या नहीं, पूरे सॉल्यूशन का मास, वो क्या दी हुई है, डेंसिटी, डेंसिटी ऐसे ही तो नहीं दे दी है, कुछ तो काम आएगी ना कहीं चल के, क्या काम आएगी, सॉल्यूशन का मास निकालने के काम में आएगी, कैसे निकलेगा मास, सोचो कैसे निकलेगा मास, नहीं सोच पा रहे हो, चलो गिवन में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आप बाद में लिखोगे। हाँ, गिवन में हमको क्या दिया है जी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, यही है ना पर मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, एक ढक्कन, उसमें इस सॉल्यूशन का कितना मास होता है, सॉल्यूशन का ना, याद रखना कितना लेना है मुझे सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर, एक ढक्कन निकालो उसको तौल लो, उसका मास कितना है, तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेता तो उसका मास क्या होता, डेंसिटी आ गई 1 लीटर की, ये मिली है ना भैया, मिली कितना होता है 10^-3, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा 10^+3, आया समझ में, तो नीचे से मिली खत्म, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1.25 × 10^+3
और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर ये यूनिट क्या बची, ग्राम, और नीचे लीटर, बस। तो एक लीटर सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, ये है ना। और मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी कितने लीटर सॉल्यूशन की बात करता है, ये जो 3 मोल पड़े हैं वो 1 मिलीलीटर में पड़े हैं कि 1 लीटर में पड़े हैं। हाँ, मोल क्या होता, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन है ना। तो हमको सॉल्यूशन को 1 लीटर तो बनाना ही है, तो लो भैया हमने इसको 1 लीटर बना लिया। पहले कितना था, 10^-3 मिलीलीटर था, 1 मिलीलीटर, उस -3 को हमने ऊपर ले जाके क्या बना दिया, ये खत्म हो गया मिलीलीटर, ऊपर जाके मिली, नीचे सिर्फ क्या बचा, लीटर। अब ये कितना लीटर दिख रहा है नीचे, 1 लीटर। तो अब ये जो मास है किसका, सॉल्यूशन का, ये कहाँ मौजूद है, 1 लीटर में। तो अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन उठाता तो उसका मास कितना आता, इतना, समझे या नहीं समझे। सो दिस इज मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास है कि नहीं आपके पास, बोलिए। और 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल NaCl के घुले थे, जिस 3 मोल का मास हमने निकाला था कितना, इतना। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मास का था, 175.5 का आ रहा है, और 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना है, इतना हो गया। 1 लीटर में दोनों बराबर, 1 लीटर में सॉल्यूट कितना है, 175.5, और 1 लीटर का पूरा सॉल्यूशन कितने मास का है, इतने मास का। तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को हटा दूं तो किसका मास बचेगा, सॉल्वेंट का मास, आ रहा है समझ में। तो इसको हम लिख देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, 1250 ग्राम पर लीटर। बोलो कोई डाउट, डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 2 डिजिट में तो यहीं तक पहुंचेगा, 1 डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा तो 0 लगा लिए, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन का मास आया, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये अब पर लीटर लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 लीटर में ये मास है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन का इतना मास, मास ऑफ द सॉल्यूशन हो गया ये। अब हमको क्या निकालना है, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, जरा बताओ कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को निकालोगे, सॉल्यूशन का पूरा मास इतना है और उसमें सॉल्यूट कितने मास का है, इतना, इसको हटा दो तो किसका मास बचा, सॉल्वेंट का। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे। बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है, 1250, और सॉल्यूट का मास कितना आया है, 175.5। ये डेसिमल थोड़ा सा लफड़ा क्रिएट करेगा, आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके चल सकते हैं, सिर्फ 58, ठीक है ना, बिना डेसिमल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए थोड़ा माइनस करिए इसको, बताइए कितना आया, बताओ बताओ, यहाँ डेसिमल है तो इसके आगे 0 इमेजिन करो, 0 में से 5 गया, 5, 10 में से 5 गया ना, इससे एक कैरी ले लिया, ये हो गया कितना, 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो इससे लेके 14, 14 में से 5 गया 9, ये डेसिमल है ना यहाँ, ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ डेसिमल है, ये वाले 0 से इस 5 को हमने घटाया है, तो 10 में से 5 गया 5, इससे एक लिया था ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, ये आया 4.5 ना, ये 4 हो गया, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये इससे एक लेके 14, 14 में से 7 गया 7, और ये क्या बचा, ये 11 बचा, देखो माइनस करो ना, 1 में से 1 गया 0, ये 1 बचा ना, ये ना 1 बचा, हाँ, तो दिस इज 0.1 1074.5 ग्राम, ठीक किए हैं, ठीक है माइनस, ये किस चीज का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया। तो ये क्या है मेरा, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया रखने के लिए, लेकिन ये तो ग्राम में आया है और हम यहाँ किस में रखते हैं, तो उसको केजी में चेंज करो, केजी यानी क्या चाहिए, के का मतलब क्या होता है, किलो, किलो किसको बोलते हैं, 10^3 को, किसको, तो यहाँ 10^3 अगर बन जाए तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, के, तो वो किलोग्राम बन जाएगा, बनाओ 10^3, 10^3 + 3 है पावर में, प्लस कब बनता है पावर, जब डेसिमल किधर चलता है, राइट कि लेफ्ट,
लेफ्ट तरफ चलता है ना, कितने कदम चलाना है? तीन कदम चला दो, एक कदम, दो कदम, तीन कदम। तो तीन कदम जब डेसिमल राइट इधर लेफ्ट में चलेगा तो पावर क्या हो जाएगा? 10^3। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखो, 1.074 और मल्टीप्लाई 10^3 ग्राम। इस 10^3 को क्या लिख लेना है? किलो है ना, कठिन हो गया ना ये। और इसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसको 5 कर लो, क्योंकि मैं 5 छोड़ रहा हूँ। डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? मिनिमम 2। तो हर जगह हम कोशिश करेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखें, ठीक है, या एक डिजिट भी रख सकते हो, नहीं 2 से ही काम चलाएंगे, एक नहीं रखेंगे। तो ये अगर मैं 5 छोड़ रहा हूँ तो इसको क्या करूँ? इवन, इवन है ना, तो 4 ही रहन देते हैं ना, 4 ही रहन दो, छोड़ो। तो ये आ गया मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। समझे जी कैसे निकाल रहे हैं? बोलो आया ये? नहीं आया, बताओ जल्दी से, आ गया? अब आपके पास ये भी है, अब आप क्या कर सकते हो? अब फॉर्मूले में पुट करके, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो अब हमने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? यही है मास ऑफ सॉल्यूट, यही है ना, 175.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 58.5 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये दिस इज 1.074 केजी। अब ऊपर आ गया मोल और नीचे आ जाएगा केजी, इसकी यूनिट किस में आती है? मोल पर केजी। और मोल पर केजी को एक शब्द में, इतना लंबा आप नहीं लिखना चाहते तो इसको सिर्फ स्मॉल एम लिख देंगे, मोलल। क्या पढ़ते हैं इसको? तो जिस तरह क्वेश्चन में 3 molar कैपिटल एम लिखा हुआ मिलता है तो हम समझते हैं 3 mole 1 liter सॉल्यूशन में घुला हुआ है। इसी तरह से जब मोलल लिखा हुआ मिलेगा, 3 small m लिखा होता, 3 molal, तो इसका क्या मतलब होता? 3 mole ऑफ सॉल्यूट कितने, नीचे क्या होता है? सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो कितना किलोग्राम? 1 kilogram। 1 kilogram सॉल्वेंट में घुला हुआ है 3 mole NaCl का, अगर स्मॉल m लिखा होता तो। आ रहा है समझ? ये यूनिट देखो ना, मोल पर किलोग्राम। और यूनिट पर किलोग्राम किस चीज का? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? डिनोमिनेटर में क्या आता है? इसमें सॉल्वेंट आता है। तो हम इसको कैसे पढ़ते? 3 mole NaCl किस में घुले हुए हैं? किस में घुले हुए हैं? 1 kilogram सॉल्वेंट में, 1 kilo पानी में, समझ रहे हो? ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है और ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है। ठीक तो निकला है ये, ओके। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये करेक्ट। सो देखो, ये मास अपॉन मोलर मास करने के बजाय, मोल तो दिए हैं, डायरेक्ट हम नंबर ऑफ मोल भी पुट कर सकते हैं 3। सिर्फ हमको ये चाहिए था सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट का मास तभी बनता जब आप क्या करते, सॉल्यूट के मास को घटाते सॉल्यूशन के मास से। तो सॉल्यूट का मास तो चाहिए था, समझ रहे, इसलिए हमको ये तो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको सॉल्यूट का मास आएगा, और सॉल्यूशन का मास आपको डेंसिटी से मिल जाएगी, उसमें से सॉल्यूट का मास घटाओगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ये हो गया। अब हमको अगर ये निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से चल सकते हैं, थोड़ा लंबा दिख रहा है कैलकुलेशन, या हम इस फॉर्मूले से भी चल सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो मोल भी है ना सॉल्यूट के, तो मैं डायरेक्ट यहाँ नंबर ऑफ मोल पुट करूँ और डायरेक्ट सॉल्वेंट का मास पुट करूँ, वैसे भी आ जाएगा। तो आइदर दिस वे चलें हम लोग, या इस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी करोगे थोड़ा लंबा है ये, या फिर कैसे चलें? मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल, दिस इज नंबर ऑफ मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल? 3 mole। तो इसको हमने लिखा 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट 1.074, दिस इज 1.074 केजी में, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया। सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए, ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए, और ये आपका काम है, आप इसको कर सकते हो, इट विल कम नियरली 2.79, ये आप कर लोगे ना।
ठीक है, और यूनिट क्या होगी, मोल मोल पर केजी। और अगर मोल पर केजी नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखोगे इसको, स्मॉल एम, दिस इज मोलैलिटी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा कि करके दिखाऊं मैं, बताओ कर सकते हो ना, मैंने टेक्निक सिखाई है आपको कैसे करना है। तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ। तो देखो मोलैलिटी का कैलकुलेशन जब आता है वो बड़ा टेढ़ा खीर होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, और अगर आप कायदे से नहीं चलोगे तो आप भटक जाओगे, जान ही नहीं पाओगे आप क्या करना है अगले स्टेप में। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला लिखिए और देखिए फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ निकालते जाइए। पहले देखो क्या क्या दिया है, दी हुई चीज़ का लिस्ट बना लो, फिर देखो और क्या क्या घट रहा है, तो घटी हुई चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो याद करो, देखो गिवन में क्या क्या दिया है सहूलत आपके लिए, कि उससे आप बाकी की चीज़ें कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया ये। ठीक, अब इसके अलावा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे दिए हैं, और कुछ रेफरेंस से भी प्रैक्टिस करने हैं।